और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो कानपुर से है। आईआईटी के पूर्व रजिस्ट्रार की हत्या के आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया है। 2021 में बाइक सवार युवकों ने गोली मारकर हत्या की थी। रेहान समेत चारों आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया। ग्वाल टोली पुलिस ने संपत्तियों का सर्वे भी शुरू कर दिया है। आरोपियों की जब्त की जाएगी संपत्ति, बड़ी जानकारी सामने आई है। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईआईटी के पूर्व रजिस्ट्रार की हत्या हो गई थी और हत्या के आरोपियों पर अब गैंगस्टर लगाया गया है। 2021 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था जब बाइक सवार युवकों ने गोली मारकर रजिस्ट्रार की हत्या कर दी थी। रेहान समेत चारों आरोपियों पर अब गैंगस्टर लगाया गया है। ग्वाल टोली पुलिस ने संपत्तियों का सर्वे भी शुरू कर दिया है। आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और इसी क्रम में फिलहाल सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साल 2021 का मामला है जब आरोपियों ने बाइक पर सवार होकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस उसके बाद से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि इन सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ग्वाल टोली पुलिस इनकी संपत्तियों का सर्वे भी कर रही है और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, विस्तार से बताइए क्या जानकारी इस खबर के बारे में। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला सन 2021 का है जहां आईआईटी के पूर्व रजिस्ट्रार अपने घर से गैलरी की तरफ टहल रहे थे और अचानक दो बाइक्स पर बाइक होल्डर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां से एब्सकॉन्ड हो गए। पुलिस ने घेराबंदी की और कम समय के अंदर इन चार लोगों को गिरफ्तार किया। रेहान इसमें मास्टरमाइंड था। रेहान के ही सूझबूझ से असलाह लाए गए, आर्म्स लाए गए, इलिसिट वेपन्स लाए गए। उसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी करके इनको जेल भेजा। हालांकि तीन लोग इस वक्त जमानत पर बाहर हैं और रेहान सलाखों के पीछे, क्योंकि रेहान इसका मास्टरमाइंड, इसका शूटर मेन रेहान था। अब इस पूरे मामले पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और अब इनकी संपत्तियों को जब्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगभग 9 संपत्तियां अभी तक ट्रेस आउट हो चुकी है। अगर हम पुलिस की माने, पुलिस सोर्सेस की माने, तो इसके बाद इन लिस्ट बनने के बाद इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है। उसके बाद पुलिस इस नेक्स्ट स्टेप पर जाएगी, इनकी संपत्तियों को जब्त करेगी। यानी आने वाले समय में इन अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस ने पूरी अपनी कमर कस ली है। जो तीन लोग फरार चल रहे हैं उनको जब से ये सूचना लग रही है, फरार माफी चाहूंगा, जब से उन जमानत पर बाहर हैं उन्हें मालूम चला कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद से ये एब्सकॉन्ड चल रहे हैं और पुलिस की तीन टीमें, यहां तक कि एलआईओ को भी लगाया गया ताकि अब उनकी भी धरपकड़ की जाए, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लग सके। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के हित के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने परीक्षा निरस्त करते हुए 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। वहीं विपक्ष के नेता सरकार की पारदर्शी परीक्षा के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार ने जो ये किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन चाहते हैं क्या बुलडोजर चले, हम बिल्कुल चाहते हैं। यूपी में कहा बाप कोई नहीं बोलेगा, यूपी में बोलेगा बा बा बा। अब बोलने की इतनी खुशी है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतना ही कहेंगे शुक्रिया हमारी सरकार को। और पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, एक्शन में सीएम योगी। युवाओं की मांग, सीएम योगी ने पूरी की डिमांड। कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इस सरकार में कोई भी भर्ती हो निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, ये प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से तमाम लोग जिन्होंने परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, तमाम लोग, बहुत सारे जिलों में जेल भेजने का काम किया गया है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर किसने फेरा पानी। सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया। पेपर लीक की जांच गिरेगी बड़े अफसरों पर। देखिए, जैसे कि जानकारी मिली थी और भर्ती आयोग के पास जो साक्ष्य पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने उनका संज्ञान लेते हुए
पुलिस की इस भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। शीघ्र ही समय पर यह भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा फिर से संपन्न। पेपर लीक के दोषियों पर कब चलेगा बुलडोजर? और आज कहीं ना कहीं जो सरकार लगातार लीपापोती कर रही थी, सरकार को यो पहले दिन जब छात्रों ने कहा कि परीक्षा जो है उसका पर्चा लीक हो गया है, तब इतना खींचा क्यों गया? और जब सरकार के खिलाफ छात्र एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया। आखिर मंशा क्या है योगी आदित्यनाथ जी की? पेपर लीक की बीमारी से कब मिलेगी मुक्ति?